ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फसल चक्र में परिवर्तन फसल उत्पादन को प्रभावित करने लगा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा किए गए अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। 2 वर्ष के रबी सीजन में गेहूं की फसल को लेकर किए गए अध्ययन में ये तथ्य सामने आया है कि बिजाई की तिथियों ने गेहूं के समयबद्ध ग्रोथ साइकिल को प्रभावित किया है। फसल चक्र में परिवर्तन फसल उत्पादन को प्रभावित करने लगा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा किए गए अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। 2 वर्ष के रबी सीजन में गेहूं की फसल को लेकर किए गए अध्ययन में ये तथ्य सामने आया है कि बिजाई की तिथियों ने गेहूं के समयबद्ध ग्रोथ साइकिल को प्रभावित किया है। गेहूं रबी सीजन का प्रमुख फसल है तथा बड़ी संख्या में किसान गेहूं की बिजाई करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की बिजाई प्रदेश में कई स्थानों पर देरी से हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है कि कुल्लू के बजोरा तथा कांगड़ा के मला में गेहूं का उत्पादन 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा, जो अन्य तिथियों को बीजी गई गेहूं से अधिक रहा। उसके पश्चात 5 जनवरी तक गेहूं की बिजाई से 40% कम उत्पादन प्राप्त हुआ। इस अवधि में बीजी गई गेहूं से 28.32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बाद में प्राप्त हुआ। अध्ययन में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि बिजाई के समय 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक की देरी के कारण गेहूं में जर्मिनेशन के लिए अधिक समय लिया। वहीं क्राउन रूट बनने तथा टिलरिंग की अवधि भी लंबी खींची। इस बारे में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर अशोक सरियाल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मौसम के बदलाव की वजह से फसलों पर प्रभाव पड़ता है। इसके वजह से हमारे यहाँ बारिश समय पर नहीं होती है और बर्फ भी लेट पड़ती है, परंतु इस वर्षा और बर्फ समय पर हुई है। अनुमान है कि गेहूं का उत्पादन इस बार बेहतर रहेगा। पिछले 2 वर्षों में ये देखा गया कि बारिश समय पर नहीं होने से और बिजाई देर से होने पर फसल के उत्पादन में 40% की कमी आती है और प्रदेश का 80% भाग वर्षा के ऊपर ही निर्भर है। वर्षा नवंबर माह में समय पर हो जाती है तो गेहूं की बिजाई समय पर होने पर 40% की कमी जो आने वाली है वे पूरी हो जाती है। प्रोफेसर अशोक सरियाल ने इस बार बारिश समय पर होने से गेहूं पैदावार प्रति हेक्टेयर सिंचाई वाले क्षेत्रों में 35-40% पैदावार रहने का अनुमान है और गेहूं का उत्पादन इस बार बेहतर रहेगा। नमस्कार, आज मैं आपको जो मौसम बदलाव की वजह से फसलों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सब आपको मालूम है कि पिछले कई वर्षों से जो है गर्म मौसम की वजह से, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ बारिशें जो है समय पर नहीं होती हैं। पहाड़ों पे बर्फ जो है वो भी अधिकांश 2 महीने पछेती पड़ती है, परंतु इस वर्ष खुशहाली का ये समय है कि जो बर्फबारी है वो समय पर हुई, अक्टूबर माह से लेके नवंबर दिसंबर में, और बारिश भी समय पर हुई। और इसका परिणाम ये रहेगा कि समय पर बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रफल, लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो गेहूं फसल के अंतर्गत है। और गेहूं जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जब बारिश समय पर होती है तो उसमें समय पर बिजाई की जाती है, और पिछले 2 वर्षों में ये देखा गया कि जब बारिश समय पर नहीं हुई, जैसे कि पिछले वर्ष 25 दिसंबर को बारिश हुई थी, उससे पहले 12 दिसंबर को बारिश हुई थी, जो हमारा समय बिजाई गेहूं का है वो नवंबर के 15 नवंबर से पहले और अक्टूबर 15 के बाद का है। अगर इसी प्रकार जब फसल की बिजाई 1 महीना देरी से होती है तो हमने यहाँ 2 साल के प्रयोगों से ये पाया है कि फसल के उत्पादन में 40% की कमी आती है केवल बिजाई देरी से होने से। और जब बिजाई समय पे होती है, और समय पे बिजाई तभी संभव है जब उसके लिए नमी उपलब्ध है, और नमी हमारा अधिकांश 80% क्षेत्रफल जो है वो वर्षा पर निर्भर है।